जूता बजाओ प्रतियोगिता धैपट कम्बोर सीरीज लेकर आ गए हैं। पाप मोगम्बो स्वागत करते हैं सभी बालक बालिकाओं छोरे छोरियों लौंडे लौंडियों मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचा ताऊ के बालकों के साथ निब्बा प्यारी निब्बियों का भी बज गया भाई साहब जूता बज गया बहुत काड़ा। टाउन हॉल 12 पे बजा सबसे पहले मिक्स टाउन हॉल में मिक्स टीएच का फाइनल है। टाउन हॉल 10 11 12 13 और 14 दो सुपर वॉल ब्रेकर ड्रैगन से लावा बैट स्पेल्स भी है। ड्रैग बैट करना चाह रहे हैं और तीन तीन मल्टी टारगेट इन्फर्नो के सामने प्लान कुछ समझ में नहीं आया हमारी। बड़ा मुश्किल हो सकता है ये अटैक पर भाई साहब ने प्लान किया है तो कुछ ना कुछ सोचा जरूर होगा। वॉल ब्रेक कर दिया गया है दोनों तरफ से। अच्छा मल्टी टारगेट को निकाला जाएगा एक तरफ किंग से और एक तरफ क्वीन से। एक तरफ क्वीन आ गई है एक तरफ किंग जाएगा। मल्टी को टेक डाउन करने की कोशिश यहां पे है तो प्लान तो जोरदार लग रहा है भाई। क्वीन ने तो निकाल दिया किंग भी निकाल देगा और सबसे अच्छी बात है कि पाथिंग तैयार हो गई है ड्रैगन्स के लिए। अरे ये दूसरा वो पागल है ये। एक बात बताओ एक ही लाइटनिंग डाली इस पे शुरू में ही दोनों लाइटनिंग डाल के तोड़ देना चाहिए था। क्योंकि दो बार खामा खामा में धक्का दे दिया उसने। ब्लिंप भी छोड़ दिया टीएच निकालने के लिए गोबलिंस की ब्लिंप है तो टीएच आ रहेगा आसानी से। भाई प्लान बड़ा सॉलिड और जानदार लग रहा है। सिर्फ कोर में देखो एक मल्टी वो बचा हुआ है इन्फर्नो और क्वीन है वार्डन एबिलिटी अभी भी है तो मामला तो जानदार और शानदार लग रहा है। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी आते हुए टोर्नेडो भी वहीं पे है। क्वीन के ऊपर पॉइजन डाला गया है बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है क्वीन पर अभी देखा जाए तो कुछ भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो बैट वेव को रोक सके सिर्फ एक इस विजार्ड टावर को छोड़ के। पर तीन फ्रीज हैं यहाँ पे जल्द से जल्द ये विजार्ड टावर आ जाए। विजार्ड टावर तो आ गया पर बैट वेव कमजोर पड़ गई है भाई। प्लान तो बहुत शानदार था पर ये लावा ने सारा प्लान खराब करके रख दिया है। एक बार को तो मुझे लग रहा था कि तीन स्टार हो जाएगा बट अब एयर डिफेंस अभी बचा हुआ है तो तीन स्टार तो अब नहीं हो पाएगा बट परसेंटेज तब भी ठीक ठाक आ गई है। लग रहा था यार कि शायद ट्रिपल रहेगा अब तो सिर्फ परसेंटेज का ही खेल रह गया कि ये बचा हुआ ड्रैगन और बुड्ढा भी मरेगा भाई। अब तो ड्रैगन ही निकालेगा जो भी थोड़ी बहुत वैल्यू निकालेगा। 86 7 8 88 तक हो जाएगा या 7 तक हो जाएगा मुझे लग रहा है गाइस। आपको क्या लग रहा है या फिर ये सिर्फ इस डार्क एलिक्सर को तोड़ते तोड़ते यहीं पे मर जाएगा ये 86 ही रह जाएगा क्या इतनी बुरी किस्मत। 87 तो कर ले यार नहीं हो पाएगा। ओ हो गया इन्होंने किया टाउन हॉल 12 पे अपोनेंट कर रहे हैं टाउन हॉल 13 पे लोडूस मैग्नस लूडस तो क्या नाम है ये क्लैन का नाम ही समझ में नहीं आ रहा गाइस। किसी को इसकी मीनिंग पता हो तो बताना कमेंट्स में पढ़ूंगा मैं कमेंट कि किसको मीनिंग पता है लूडस मैग्नस की। येटी स्मैश चल रहा है यहाँ पे येटी बोलर स्मैश लोग लुगाई लॉन्चर के साथ। सेंट्रलाइज टाउन हॉल है यहाँ पे टाउन हॉल 13 पे तो बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी थी ये और अब तो सुपर बॉलर भी आ चुके हैं। पहले सुपर बॉलर नहीं थे येटी स्मैश चला करता था टाउन हॉल 13 पे बहुत और पैका स्मैश भी। वार्डन एबिलिटी यहाँ पे दबा दी गई है टाउन हॉल आसानी से निकाल लिया जाएगा। बॉलर सभी भी जिंदा हैं और एक रेज भी है भाई। लग रहा है कि यहाँ पे लूडस मैग्नस वाले कार्रवाई बिठाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि क्वीन के पास एबिलिटी है रॉयल चैंपियन का आना भी बाकी है। रॉयल चैंपियन आ गई एबिलिटी में क्वीन एक्सपोर्ट कुछ डिफेंसिस को निकाल देगी बिल्कुल निकाल देगी और भाई अब ये तो पक्का तीन स्टार खा के रहेगा ये बेस। तो यहाँ पे पहला ट्रिपल आता हुआ मिक्स टीएच का टाउन हॉल 13 पे आ रहा है। टाउन हॉल 12 ही मुश्किल पड़ता है मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो अटैक फेल होने के चांसेस है ना गाइस दोनों तरफ से और टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 14 पे ज़्यादा है। बाकी टाउन हॉल 10 11 और 13 पे तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से ही ट्रिपल होने चाहिए। टाउन हॉल 12 मुश्किल पड़ता है हमेशा
क्योंकि वहाँ पर रॉयल चैंपियन नहीं होती ना, रॉयल चैंपियन बाद में जो डिफेंसेस को उड़ाती है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। आसानी से ट्रिपल मार दिया। कमलू भाई आ गए हैं, हाइब्रिड लेकर आए होंगे 100% हाइब्रिड से अटैक करते हैं वो। ओ ड्रैगन राइडर, चलो गाइस क्विंचा ड्रैगन राइडर देखते हैं कमलू जी का। टाउन हॉल 14 और 12 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टीएच आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा गाइस। क्वीन यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है, सुपर गोबलिंस भी लेके आए हैं यहाँ पे, और बच्चे वाला ड्रैगन। छोटा तीर घाव करे गंभीर है गाइस ये बच्चा ड्रैगन, बच्चा यादव की याद दिलाता है मेरे को। ऊपर गोबलिंस का इस्तेमाल, किंग का इस्तेमाल, हेड हंटर भी देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। किंग अंदर भाग गया गाइस, बाहर आ जा चुपचाप पिटाई खा ले। हेड हंटर आ गया पिटाई में हिस्सा लेने के लिए, हीरोज की पिटाई करवाने में बड़ा एक्सपर्ट है गाइस ये हेड हंटर। इतना सा है, बिल्कुल इतना सा, और तुरंत पीट पाट के साइड में बिठा देता है हीरोज को ये। क्वीन बढ़िया काम कर रही है, स्कैटर शॉट को निकाल लिया रहेगा इस गोलम के आने से पहले। एयर डिफेंस भी टेक डाउन कर दिया किंग ने गाइस, जंप आती हुई मल्टी को निकालने के लिए। ओ हीलर्स को टारगेट कर दिया है गाइस, दिक्कत हो गई है तो बहुत हैवी। एक भी रेड माइंस लगी तो हीलर्स गई, सबसे बुरा होता है ये जब आर्टिलरी हीलर्स को टारगेट कर देती है, बुरे सपने जैसा हो जाता है फिर तो। पर अभी हीलर्स जिंदा हैं, रेड माइंस जब तक दूर रहेंगी हीलर से तब तक हीलर्स की सांस चलेगी गाइस। एक ये आ गई रेड माइन, गई हीलर, क्वीन की एबिलिटी भी गई। रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है सिंगल टारगेट इन्फर्नो आखिरी में है, लेकिन एक फ्रीज और इनविजिबल यहाँ पे बची हुई है, सिंगल टारगेट पे पहुँच गई है। चलो ये अच्छा हुआ गाइस, रॉयल चैंपियन का सिंगल टारगेट पे जाना कुछ ना कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं यहाँ पे। ड्रैगन राइडर के पास भी अभी अच्छी खासी हेल्थ मौजूद है, एक इनविजिबल बची है और इस्तेमाल भी कर ली गई है। रॉयल चैंपियन को बचाने की कोशिश जो यहाँ पे की गई है वो काम जरूर आएगी भाई, बिल्कुल काम आएगी, और तीन स्टार का झटका दे करके जाएगी। तो कमलू भाई साहब फ्रॉम स्टोक सिटी FC तीन स्टार यहाँ पे लाने में कामयाब हो जाएंगे अपनी टीम के लिए, और ये काफ़ी अच्छा हुआ। टाउन हॉल 10 का रिमांड उतरते हुए देखेंगे अब गाइस हम, क्योंकि सीज यहाँ पे अलाउड नहीं है। आपको लगा कि सीज अलाउड होगी? नहीं है टाउन हॉल 10 के लिए, CC अलाउड है बस। और टाउन हॉल 10 पे बिना सीज के ट्रिपल करना धुआंधार प्रोग्राम हो जाएगा। सुई लाल होकर के ट्रिपल करना चाह रहे हैं यहाँ पे गुट्टा ईरा। किंग क्वीन साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोट ओ गाइस सीन खराब हो गया यहाँ पे, दीवार जो तोड़नी थी उसी को टारगेट बना दिया मोटर ने यहाँ पे वॉल ब्रेकर्स को। प्लान यहाँ पे खराब होते हुए क्योंकि इसको निकालना था और शायद क्वीन को भी निकालना चाहते थे, ना क्वीन आई और ना ही आई एक्सबो। प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया है गाइस यहाँ पे, अभी देखना होगा भाई साहब कैसे इसको कर पाएंगे, लग तो निरा कर पाएंगे। अब तो लग रहा है परसेंटेज का ही खेल रहेगा। क्वीन को कैसे मारेंगे वो समझ नहीं आ रहा, लेकर तो आए हैं वैसे एक वो, पर CC भी बाहर आ जाएगा उससे। पॉइजन डाला है क्वीन पे, अच्छा CC उससे लियोर नहीं होता, मैं कैसा पागल हूं, मेरे को लगा उससे लियोर हो जाएगा CC, दिमाग खराब है मेरा। अब आप कह रहे हो उससे किससे, यार मेरे नाम भूल जाता हूँ स्केलेटन्स का। और भाई साहब ये तो ट्रिपल मारने में कामयाब हो गए ऐसा लग रहा है। ओ सिर्फ एक्सपो बची है, किस्मत ही खराब है क्या भाई। आ रहेगी एक्सपो आ रहेगी गाइस, एक्सपो आ रहेगी
आएगी आएगी पक्का आएगी आएगी, मैं कह रहा हूँ पक्का आएगी आएगी, चाहे कुछ हो जाए आके रहेगी एक्सपो, आएगी आएगी, आजा 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 आजा, ओ जानो आ गई गाइस आ गई। भाई साहब क्या बढ़िया लावालून देखने को मिला मैंने टाउनल 10 पे, टाउनल 13 14 पे हम देखते रहते हैं, 10 पे क्या बढ़िया लावालून देखने को मिला, मजा आ गया इस लावालून को देख के। टाउन हॉल 11 नो सीज, खतरनाक बेस, 5 सुपर गोबलिन, पता नहीं किस लिए, जैप किया गया है यहां पे दो दो ए डिफेंस को, इलेक्ट्रो ड्रैगन भी आते हुए, फनल तो अच्छी खासी बनाई गई है यहां पे ड्रैगन्स के लिए, एक आइस गोलम भी लाए हैं, पता नहीं कहां पे यूज करेंगे उस आइस गोलम का, हीरोज के साथ इधर ही कर लिया, ड्रैगन्स आ गए, बुड्ढा आ गया छड़ी घुमाता हुआ, लावा भटक रहा है मार्केट में, क्वीन को एयर डिफेंस निकालना चाहिए पर क्वीन जा रही है दूसरी तरफ, क्वीन कह रही है मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मुझे एक काम मत बताओ, वॉर्डन एबिलिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी भाई, पर बचाई गई है अभी यहाँ पे, टोर्नेडो भी एकदम सही जगह पे निकला, क्वीन नहीं निकाल भाई एयर डिफेंस भाई, इसलिए वॉर्डन एबिलिटी अब देनी ही पड़ेगी। टाउन हॉल को सुपर गोब्लिंस निकालने में कामयाब हो गए हैं चुपचाप खोपचे में से आराम से, आर्टलरी अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है गाइस आर्टलरी का, और वहाँ पे तीन तीन एयर एक्सपो है, आर्टलरी को फ्रिज कर दिया गया है, पॉइजन किंग पे डाल दिया गया पता नहीं क्यों, ऐसे खाम खाम है, हालांकि किंग को ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है पॉइजन से, एचपी बहुत होती है किंग की, पर थोड़ी देर के लिए स्लो तो हो ही जाता है बेचारा। एक्सबो ही यहाँ पे असली खतरा है गाइस, क्योंकि आर्मी कम बची है, बुड्ढे के पास हेल्थ बहुत कम है, इलेक्ट्रो भी मर गया है, तो यहाँ पे अटैक फेल होता हुआ नजर आएगा मैं टाउनल 11 पे, और परसेंटेज भी अच्छी खासी नहीं आई है, 80% होने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि ड्रैगन के पास हेल्थ है 78, और रे बाप रे लाल लाल माइन 79 80, अब ये बोनस मिल रहा है गाइस जितना भी आ रहा है, बोनस प्रतिशत मिलता हुआ यहाँ पे स्ट्रोक सिटी एफसी को 83 तक पहुँच जाएगा ये 83, अगर इस पे जाके मारेगा तो 84 हो जाएगा, वरना 83 रहेगा भी ये, वो उसी पे जाके मार रहा है, दिमागदार है गाइस ये तो ड्रैगन, ऐसा दिमाग वाला ड्रैगन सबको दे भगवान। लठ बजाओ प्रतियोगिता में टाउनल 11 के ऊपर हमला लेकर आए हैं राहाडो भाई साहब, लावालून करना चाहते हैं, सुई लालो करना चाहते हैं, टाउनल यहाँ पे सेंटर में है, सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, तो आसान हो सकता है लावालून करना, पर चार एक्सपो एयर है और वहीं पे क्वीन है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम का काम है, पर भाई साहब ने कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर बनाया होगा, आइए बैठ के देखते हैं इनके प्लान को। एक सुपर वॉल ब्रेकर पर उधर घुसा के फायदा क्या होगा, क्योंकि सिंगल टारगेट इन्फर्नो रोस्ट करके रख देगा वहां पे सबको, सिंगल की रेंज कहां तक है, वहीं तक है जहां तक किंग है, फनल बनाई जा रही है मेनली तो यहां पे लावालून पार्ट के लिए, क्वीन यहां पे अपनी जान को गवा के ही छोड़ेगी लग रहा है, फ्रीज यूज कर लिया गाइस, ओरे बाप रे क्वीन का तो इधर आना ही था, सिंगल निकाल लेती तो ज्यादा अच्छा रहता, अभी देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे, सीसी भी चलो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ऐसा सीसी से तो दिक्कत नहीं है, पर अब क्वीन इसको फोड़ देगी तो दिक्कत है, क्वीन उससे पहले ही मर जाए तो सही है, फोड़ने मत दियो बलून इसको, क्वीन को मार दे, बहुत बढ़िया क्वीन को मार दिया गया है, इसका बेनिफिट होगा, उधर क्वीन और मर गई है, वॉर्डन की एबिलिटी अभी भी है, अटैक काफ़ी ज़्यादा जोरदार चल रहा है गाइस अभी तक यहाँ पे, लावा फट गया, थोड़ी सी दिक्कत जरूर देगा अब लावा,
पर बलून्स अभी काफी सारे, वार्डन की एबिलिटी अभी तक बची हुई है भाई, क्या करेगा ये? वार्डन एबिलिटी स्वैग करेगा क्या? इधर इधर यूज करेगा ये, अब यूज करेगा, मुझे लग रहा है स्वैग ही कर देगा ये। अगर ना भी यूज करता ना गाइस वार्डन एबिलिटी तो भी ट्रिपल मारता भाई। भाई ये लूडस मैग्नस वाला क्लैन बहुत ही खतरनाक लग रहा है मेरे को, ये तो भयानक क्लैन है भाई ये मिक्स टाउन हॉल का। बत्ती बना दिए गाइस इसने यहाँ पे, धुआंधार तरीके से रिमांड चालू है और बड़े खतरनाक अटैक कर रहे हैं, एकदम ओवर किल चल रहा है यहाँ पे। हल्के में तो लेना ही मत इनको भाई साहब, धुआं उठा देंगे ये तो मार्केट में। कुकी एक्सपर्ट लावलून टाउन हॉल 10 पे, क्वीन है कोर में, वहां तक हीरोज पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए क्वीन को मारने के लिए स्केलेटन स्पेल एक लेके आए हैं यहाँ पे और एक रेज भी। बहुत ही आराम आराम से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है वॉल ब्रेकर्स का। किंग की एबिलिटी दबा दी है ताकि क्वीन जाके मल्टी को टेक डाउन करे, मल्टी को निकालने में कामयाब हो जाएगी क्वीन यहाँ से, और सीसी को भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी। क्वीन मर जाए तो ही अच्छा है गाइस, ऐसे में लावा नहीं फटना चाहिए। चलो क्वीन मर जाएगी यहां पे, अब लावा लून वाला पार्ट किधर से करेंगे चालू मेरे दोस्त। आते हुए सीसी वाले बलून्स और लावा, लाल लाल रंग के बलून्स हैं ये, लालम लाल। लावा फट गया फट गया फट गया, क्वीन को मारो भाई, क्वीन भाग गई। स्केलेटन से बच के क्वीन भागने में कामयाब हो गई है। क्वीन सिर्फ उधर ही जा रही है जिधर स्केलेटन्स नहीं है। कितनी चालू क्वीन है गाइस, ये तो चाल चल रही है क्वीन, उसी कंपार्टमेंट में जा रही है सिर्फ जहां पे स्केलेटन्स नहीं है। बहुत ही बुरा हुआ है तो, वरना ये ट्रिपल हो जाता, क्वीन मर जाती तो गाइस। अभी भी हो सकता अगर बलून्स थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्वीन पे जाके बरस जाए तो। बरसो रे मेगा मेगा, बरस गए क्वीन पे मेगा मेगा। पर अभी भी थोड़ी सी तो दिक्कत में है ये अटैक, क्योंकि बलून्स को लगातार गिराने में लगे हुए हैं एयर ट्रैप्स, और यहाँ पे लावा को मारेंगे, लावा फटेगा, लावा सबकी ना मार ले गाइस। लावा इज वेरी डेंजरस। 30 सेकंड का टाइम है, पर ये टाइम भाई कम पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये लावा के साथ ये जंग लड़ने जा रहे हैं ना, ये जंग में लावा भारी पड़ेगा इन पे, और टाइम फेल कराने में कामयाब हो जाएगा ये भद्दा सा जीव गाइस इनका। ये तो मुझे लग रहा है सबको मार ही देगा, टाइम फेल गए तो यहीं पे कबर खोद दी गाइस इसने, लावा ने सबकी कबर खोद दी यहाँ पे। बेचारा एक बेबी ड्रैगन बचा है, घेर के मार रहे हैं इसको भी, और इतने में टाइम खत्म हो गया इनका। टाउन हॉल 14 पे आए हैं कमलजीत भाई साहब के ऊपर अटैक करने के लिए वापस से लावालून, लेकिन इस बार है ब्लिजार्ड लावालून। लावालून के खतरनाक खिलाड़ी हैं ये बंदे, ब्लिम को पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे टाउन हॉल के सेक्शन तक। इनविजिबल चलेंगी धुआंधार अब, और जायंट बॉम्ब से वहां पे खत्म। डबल जायंट बॉम्ब पे आते ही मामला ध्वस्त। लावा अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है गाइस, थोड़ी देर में। क्वीन यहाँ पे निकाल लेगी लावा को, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंगल टारगेट जो ये आया नहीं है ना, ये काम खराब करेगा, क्योंकि किंग क्वीन अगर ओ चलो उस तरफ नहीं जा रही है, अच्छा है, उधर जाते ना तो दिक्कत ही दिक्कत थी, पर सिंगल टारगेट वहाँ पे दिक्कत तो देगा ही, खास करके इसकी हेल्थ फुल कर देगा ये बिल्डर जो है ना, अभी देखो इसकी हेल्थ भी फुल कर देगा, जीरो एचपी पे सिंगल टारगेट,
बट इसकी हेल्थ फुल करने में ज़्यादा देर लगाएगा नहीं वो। और क्वीन स्कैटर शॉट को नहीं निकाल रही, इधर उधर घूम रही है पता नहीं क्यों। क्वीन को बचाने के लिए इनविजिबल रॉयल चैंपियन सिंगल के हाथ चढ़ गई है। एक और इनविजिबल सिंगल तो नहीं आएगा उस्ताद, ऐसा लग रहा है मुझे। आ भी सकता है, आ गया। चलो भाई, कहाँ लेके जाना चाहता है क्वीन को बंदा ये। क्वीन इसकी रुकी नहीं रही है, बढ़ती जा रही है आगे। ले भाई, आर्टलरी निकाल दी बंदे ने। ये तो हैवी राइडर है गाइस, ये तो हैवी ड्राइवर अटैक है एकदम। लावालून चालू हो गया है तो वार्डन एबिलिटी को आराम से बचा के रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आर्टलरी टेकडाउन हो चुकी है। हेड हंटर छोड़ दिया गया है, वार्डन एबिलिटी आएगी क्वीन को टेकडाउन करने के लिए। अच्छे खासे बलून्स बचे हैं, बस पीछे की तरफ मल्टी टारगेट इन्फर्नो ही असली खतरा है यहाँ पे। पर उसके लिए दो फ्रीज और हेस्ट लग रहा है कि सफिशेंट होंगी। पहली फ्रीज, टाइम 24 सेकंड, 20 सेकंड्स, तेजी से क्लीनअप चालू है। 16 सेकंड्स लग रहा है कि काम हो जाएगा, क्योंकि ट्रूप्स चारों तरफ स्प्लिट हो चुके हैं। सिर्फ इसको देखना पड़ेगा कि ये कब फटेगा। ये फट गया तो ट्रिपल 99। ओरे बाप रे, क्वीन चार्ज नामक बंदा यहाँ पे आया है टाउन हॉल 12 13 के ऊपर अटैक करने के लिए। लूडस मैग्नस की तरफ से अभी तक सिर्फ एक ही ट्रिपल कर पाए हैं स्ट्रोक सिटी एफसी वाले। सुपर गोबलिंस का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे टीएच निकालने के लिए। टाइम काफी वेस्ट हो जाता है कई बार। और देखो लगभग 30 सेकंड लग गए हैं यहाँ पे सिर्फ टाउन हॉल निकालने में। और अभी हीरोज के साथ वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बाद लावालून वाला पार्ट, तो टाइम फेल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। पनल बनाई जा रही है यहाँ पे, लोग लुगाई लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा किंग के साथ। आइस गोलम और ओ भाई साहब, दो दो गोलम, आइस गोलम भी और बड़े वाला गोलम भी है, गोलम के बड़े भैया। स्केलेटन स्पेल्स वार्डन को भटकाने के लिए, क्योंकि वार्डन बहुत हैवी डैमेज देता है। रॉयल चैंपियन को टेकडाउन कर दिया गया है, आर्टलरी बहुत जल्दी उड़ेगी यहाँ से। अब क्वीन वाले सेक्शन में जाना चाह रहे हैं ये, और दीवार टूट गई है जिस हिसाब से, लग रहा है कि शायद चले भी जाएंगे। हेड हंटर वार्डन एबिलिटी दबा दे भाई, दबा दे दबा दे, दबा दी किंग को तो तुरंत टेकडाउन कर देंगे हेड हंटर्स। क्वीन टेकडाउन नहीं हो पाएगी, क्वीन को येटिस मारेंगे पटक पटक के, और स्कैटर शॉट को निकाल देंगे। मल्टी कोर निकाल दें तो बढ़िया है, मल्टी जीरो एचपी पे बच गया, पर रॉयल चैंपियन आके उसका काम कर देगी तमाम। बचे हुए बेस पे दौड़ेंगे ड्रैगन राइडर्स। 1:10 का टाइम बाकी है, क्वीन के पास एबिलिटी भी बाकी है। नीचे की तरफ रॉयल चैंपियन धनाधन पेलम पाल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। बैट स्पेल्स भी आ चुके हैं। समय यहाँ पे दिक्कत ना दे, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वीन यहाँ पे स्कैटर शॉट को निकालते हुए, ले भाई जब किस्मत में लिखे हैं तो कहाँ से मिलेंगे। लाल वाला बम्ब सीधा माथे पे आके टकराया है इनके बैट स्पेल्स के, और टाइम थोड़ा कम है, 30 सेकंड्स बची है। पर ये आर्चर्स जो हैं क्वीन के बच्चे वो भी मर गए यार। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि साइड ट्रिपल हो जाएगा, वहीं पे काम ख़त्म। इनका तो दिन ही नहीं है गाइस आज। ये लूडस मैग्नस ओपी बंदे हैं एकदम। सिर्फ एक ही बेस इनका ट्रिपल हुआ है, 5 में से 4 बेस डिफेंड कर गए हैं, चाहे किस्मत से करे हों चाहे कैसे भी करे हों, पर कर गए हैं और कर ही गए हैं भाई।
ऊपर और दूसरी तरफ से इनका सिर्फ एक ही अटैक फेल हुआ है लूडस मैग्नस का। फाइनल अटैक आते हुए यहाँ पे ब्लिम छोड़ दी गई है, येटीज और सुपर गोब्लिन ब्लिम थी शायद ये टाउनल 12 पे जो भी थी, पर टाउनल निकाल दिया। देखो गाइस, और एक ही स्टार चाहिए था जीतने के लिए इस वॉर को, तो वॉर तो ऑलरेडी जीत चुके हैं लूडस मैग्नस वाले। देखना ही होगा कि ट्रिपल मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। यहाँ पे टाउन हॉल 12 के ऊपर चल रहा है ये हमला, लावा रखा है यहाँ पे सीसी में, दो हील, एक रेज, दो फ्रीज, एक पॉइजन जिसका इस्तेमाल अब यहाँ पे कर लिया गया है। आर्टिलरी में से आएगा वो, क्या कहते हैं, हाइब्रिड, क्योंकि क्वीन जाएगी मल्टी वाले कंपार्टमेंट में, किंग उतारा जाएगा यहाँ कहीं पे, और बीच में कोर में जाएगी आपकी आर्मी। प्लान तो यही होना चाहिए, बाकी भाई साहब का देखते हैं भाई साहब का प्लान क्या है। मल्टी निकाल लिया जाएगा यहाँ पे, रेज भी लगा दी, पता नहीं क्यों, जरूरत भी नहीं थी फिर भी लगा दी। दीवार तोड़ना चाहते थे पर दीवार ऐसे थोड़ी ना टूटेगी भाई सोचने से, तो क्वीन अब वहां पे थोड़ी देर के लिए फंसेगी, उसके बाद नीचे की तरफ जाएगी क्वीन, या शायद दीवार तोड़ेगी, कुछ नहीं पता, पागल हो रहता है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में गाइस। हाइब्रिड काफी हैवी चल रहा है, पहली हील आ गई है, वार्डन एबिलिटी अभी बची हुई है यहाँ पे जिसका इस्तेमाल हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। दबा दिया भाई, दबा दिया वार्डन का बटन, दबा दिया गाइस यहाँ पे। क्वीन को किया गया है फ्रीज और वहीं पे निकल गया टोर्नेडो। माइनर्स फंसेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन पीछे की तरफ से क्वीन दीवार तोड़ के आ गई है, पागल हो रहा जीवन में कोई ढंग का काम कर रही है गाइस। हालांकि जीतने के लिए वन स्टार की जरूरत थी, पर मुझे लग रहा है तो ट्रिपल ही मार के छोड़ेंगे, कह रहे हैं एक स्टार हम मारते नहीं है भाई, हम ट्रिपल ही मारते हैं। एक ही अटैक फेल हुआ इनका, वो भी शायद 99% हुआ था, वो भी टाइम फेल हुआ था, हाँ बिल्कुल 99% टाइम फेल, टाउन हॉल 14 पे हुआ था इनका। भाई ये क्लैन बहुत खतरनाक है लूडस मैग्नस, इस क्लैन के साथ तो भिड़ना ठीक नहीं है, मिक्स टीएच में तो भूत बना देंगे मार मार के गाइस, एकदम भयानक अटैक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक करते हैं लड़के। सही है, मैं इनका गेस्ट में नहीं खेल रहा, वरना बहुत मारता मैं इनको। हाँ बोलने में क्या जा रहा भाई, खेल थोड़े ना रहे। देखो टाउन हॉल 14 को तो मैं ट्रिपल मार ही देता, और टाउन हॉल 14 ही ट्रिपल हुआ इनका, उसके सिवा कोई ट्रिपल हो भी नहीं पाया, तो ना भी खेल भी रहा होता तो भी क्या उखाड़ लेते गाइस, नीचे वाले ने तो काम खराब करवा ही दिया। फिलहाल यहाँ पे इस वॉर को आसानी से जीत करके फाइनल को अपने नाम हासिल कर लिया यहाँ पे लूडस मैग्नस ने, और आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी, और सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक भी दबा दो साथ में।